राजस्थान में जल तांडव मचा है, कई इलाकों में पानी भरा है। राजधानी जयपुर के हालात भी बेहद खराब है। जल तांडव ऐसा कि कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये तस्वीरें सामने आई तो लोगों ने एक राहत की सांस जरूर ली। सीएम ने दिल्ली से लौटते ही हवाई सर्वे कर बाढ़ग्रस्त इलाकों का हाल जाना। उधर मंत्री पद से इस्तीफा देने और वापस लेने की आंख मिचोली खेल रहे किरुड़ीलाल मीणा ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर लोगों का हालचाल जाना और लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन से हर संभव मदद दिलाएंगे। साथ ही कह दिया कि आप जानते हैं किरुड़ीलाल मीणा जो कहते हैं वो करते हैं। आप जानते हो जो मैं वादा करता हूँ उसको निभाता हूँ और जो मैं काम कराता हूँ उसको सॉलिड करता हूँ। खैर, सीएम भजनलाल शर्मा और बाबा किरोड़ी ने जल तांडव टूरिज्म तो कर लिया, लेकिन उनके दौरों के बाद भी प्रदेश में स्थिति से निपटने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे। जल तांडव से हो रही मौत पर परिजनों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम लगा ये सिस्टम बेशर्मी के साथ अपनी नाकामी छिपाने में लगा है। हालातों से निपटने के लिए न ही सिस्टम और न ही सरकार कोई कदम उठाती दिख रही है। आजादी का 78वां पर्व मनाते देश में आपको जयपुर के कुछ इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें जहां सड़कें पानी से लबालब भरी हैं, बसे और मकान इस पानी में आधे डूबे हैं। और जरा बाइक वाले पर नजर डालिए, बाइक नजर आए ना आए लेकिन बाइक सवार की गर्दन पानी से बाहर आपको जरूर नजर आ जाएगी। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि जयपुर की ही हैं। कई और इलाकों में जयपुर में इसी तरह के हालात हैं। राजधानी जयपुर के लोगों ने इन हालातों की वीडियो बना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है और सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक यूजर बलकौर सिंह ढिल्लो लिखते हैं, जयपुर में आपदा राहत कार्य कहीं नजर नहीं आए, दो दिन फोटोशूट हुआ और कुछ नहीं। वहीं नरेश शर्मा नाम के एक यूजर ने एक वीडियो डाला और बताया कि ये जयपुर ही है। लखराज अवाना नाम के यूजर ने भी वीडियो शेयर किया और लिखा कि जयपुर के सांगानेरी गेट सड़क पर पानी के सैलाब का दृश्य सीएम के दौरे के बाद भी नहीं बदले राजधानी के हालात, हुआ करोड़ों का नुकसान। खैर, तस्वीरें, प्रदेश के हालात और सोशल मीडिया पर आम लोगों की गवाही इस बात की तस्दीक कर रही है कि जन सरोकार और जनहानि के लिए सरकार और सिस्टम की मानसिकता सड़ चुकी है। राजस्थान के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। बारिश के चलते राजधानी जयपुर में जल तांडव हो रहा है, हर कोई परेशान है। लोग इस जल तांडव में जान गंवाते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस जल भराव से निपटने के लिए सरकार के पास ना तो कोई प्लान है और ना ही इस जल तांडव से राहत दिलाने के लिए कोई सरकारी प्रयास धरातल पर दिख रहा है। सीएम भजनलाल हो या फिर किरुड़ीलाल मीणा, हर कोई बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर वहां का सर्वे कर फोटो खींचा सोशल मीडिया पर डालने या रील बनाकर ये दिखाने में कोई कमी नहीं कर रहे कि देखिए सरकार काम कर रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर आम लोगों ने सरकार के इन फोटो रील्स को जल तांडव का टूरिज्म बताना शुरू कर दिया।